डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर को। हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में देखा, अब हम देखते हैं व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ एन एटम। एटम की हिस्ट्री क्या है, एटम को कैसे डिस्कवर किया गया, इसके बारे में किस साइंटिस्ट ने क्या बात कही। फर्स्टली हम देखते हैं डेमोक्रेटस को। उसने, उसका टाइम पीरियड है 462-370 BC में। इस 400 BC के ड्यूरिंग जो उसने काम किया, उसके बारे में उसने एटम के बारे में क्या बताया। वो भी एक फेमस स्टूडेंट था, उसने बताया उसकी फिलॉसफी और इस सब चीज़ों में ये है कि ये एटम जो है वो विजिबल नहीं होता। फर्स्टली उसने ये बात बताई, वो जो है उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके थ्रू हम उसको देख सकें। इसने इसके अलावा ये बताया था कि हम इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। एटम जो है वो एक कांस्टेंट मोशन के अंदर होता है, हम इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, इसकी डिवीजन नहीं हो सकती। इसका क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जो सराउंडिंग में इसके प्रेजेंट होते हैं, सॉरी एटम के अंदर न्यूक्लियस के सराउंड में जो प्रेजेंट होते हैं, जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, वो किसी के साथ शेयर हो जाते हैं, कहीं उनका गेन लॉस हो जाता है, कहीं उसकी ट्रांसफरिंग हो जाती है, ये होता है उसके अंदर। बट उसके अंदर क्या नहीं होता है, कोई डिवीजन नहीं होती कि एटम, एक एटम टूट के दो एटम बन जाए, ऐसा नहीं होता, ये इसने बताया था। बहुत से साइंटिस्ट ने जो एविडेंस भी दिए थे इसके हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या था, बर्जीलियस। बर्जीलियस ने क्या काम किया था, उसने केमिकल फार्मूलाज दिए थे, उसने सिंबल्स बताए थे एलिमेंट्स के, बहुत से एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल के, या जो हमारी नेचर में एग्जिस्ट करते थे उनके बारे में बताया था, उनकी सिंबल्स के बारे में बताया था। जैसे बहुत से एलिमेंट्स हैं, जाहिर है उनके, मैंने जैसे आपको एक बार पहले बताया था कि एटम को क्यों डिवाइड किया, सॉरी क्यों एलिमेंट्स को नाम दिए गए हैं, उनकी बेक पे रीज़न ये है कि हर एलिमेंट जो है उसको याद करना या उसको फार्मूला में लिखना जो है वो मुश्किल होगा अगर उसके सिंबल नहीं होंगे। तो ज़ाहिर है अगर हम किसी भी एलिमेंट को उसके पूरे नेम्स लिखना स्टार्ट कर दें, तो हम उसका फार्मूला, जैसे अब वाटर का फार्मूला H2O, उसमें हम हाइड्रोजन और एलिमेंट टू ऑक्सीजन ऑफ एटम लिखें तो वो मुश्किल होगा। जैसे कि अब हाइड्रोजन का हमें सिंबल मिल गया H, ऑक्सीजन का O, तो हम इजीली H2O लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मेंडेलीव। मेंडेलीव ने क्या किया था, 63 एलिमेंट्स जो हैं पीरियोडिक टेबल के, उनको अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो इसने प्रिडिक्ट भी किए थे बहुत से सेवरल एलिमेंट्स जो कि हमारी नेचर में प्रेजेंट थे, लेकिन उस टाइम तक उन्हें, उनका पता नहीं था, तो इसने उनके बारे में भी बताया था। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या था कि ये है मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, जो कि बेस था किसकी, उस पर एटॉमिक मास की बुनियाद पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, इसमें एटॉमिक नंबर नहीं था, सिर्फ मास नंबर, मीन एटॉमिक मास की बेस पर उसने ये प्रोडक्ट टेबल बनाया था, जो कि बाद में जाके बहुत सी रीजंस और ड्रॉबैक्स की वजह से रिजेक्ट हो गया था। न्यू प्रोडक्ट टेबल जो कि अब मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो यूज़ हो रहा है, लेकिन जब मेंडेलीव की कंट्रीब्यूशन थी, उसने ये प्रोडक्ट टेबल अरेंज किया था। इसमें 63 एलिमेंट्स उसने अरेंज किए थे और उसने बहुत से एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट भी किया था। सो मेंडेलीव की ये कंट्रीब्यूशन थी इसके अंदर एटम के बारे में, जो उसने बताया एलिमेंट्स के बारे में। उसके बाद था जे जे थॉमसन। उसने क्या बताया था, एक ब्रिटिश फिजिस्ट था, इसने इस बारे में बताया था कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया था, डिस्कवर किया था। इसने प्रोटॉन के बारे में भी सजेस्ट किया था, पर उस टाइम उसके पास प्रूफ नहीं था, क्योंकि साइंटिस्ट जो बात करते हैं वो प्रूफ के साथ करते हैं। तो इसने इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रूफ के साथ उसकी डिस्कवरी दी थी कि एक सराउंडिंग शेल्स हैं जो कि न्यूक्लियस के गेट थे, उसके अंदर एक पार्टिकल है जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो रिवॉल्व करे, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। उसने बोला था कि प्रोटॉन भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट हैं, बट उसके पास उस वक्त प्रोटॉन के लिए प्रूफ नहीं था। एक और साइंटिस्ट है रदरफोर्ड, इसका भी कंट्रीब्यूशन है एटम की बारे में बताने में, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताने में। इसने जो है वो
सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था, किसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, इसने कंक्लूड किया था कि एटम के अंदर मोस्टली जो है वो एम्प्टी स्पेस होती है और एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है जो कि एटम का मास जो है वो उस न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है क्योंकि उसमें पॉजिटिवली चार्ज एटम जो है वो पार्टिकल प्रेजेंट होता है जो कि है प्रोटॉन, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। आई होप आपको इस हिस्ट्री ऑफ एटम की समझ आ गई होगी।